हेलो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू तो जैसे आपको पता है कि वीकली करंट अफेयर का जो सेशन होता है तो आज हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट वीक के करंट अफेयर रहे हैं ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे तो लास्ट वीक जो हमने न्यूज़ डिस्कस करनी है वो हम करेंगे फ्रॉम सेकेंड ऑफ अक्टूबर टू ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर कि इस बीच जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो क्या रही हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें सीखते हैं कि क्या क्या हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सबसे पहली न्यूज़ देखिए क्या है सबसे पहली न्यूज जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च इन यूपी इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च इन यूपी जनरली ये होता गया है जैसे ही कोई जैसे बहुत बड़े बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली है तो दिल्ली के जो आसपास का एरिया है उसको कनेक्ट करने के लिए ऐसे ट्रांजिट बनाए जाते हैं तो वो इंडिया फर्स्ट रीजनल जो एक रीजनल एरिया में बनाया गया है रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम लॉन्च किया गया है कहाँ पे जी यूपी में ये 17 किलोमीटर का एक सेक्शन है जो कि दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम इसका नाम दिया है रीजनल ये है इसी के दौरान जब कनेक्टिविटी की बात हम करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना तो वो कनेक्टिविटी की जब बात होती है तो आप रेल कनेक्टिविटी की ज़्यादा बात करते हो तो इसी रेल कनेक्टिविटी में एक नई ट्रेन इनैगोरेट की गई है चलाई गई है जिसका नाम है नमो भारत कौन सी ट्रेन है जी नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन जो कि साहिबाबाद से दोहाई डेबर्ट को कनेक्ट करेगी जो कि इंडिया की पहला इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है रीजनल मतलब एक रीजनल एरिया में किया गया है दिल्ली के पास वाले एरिया में तो इसको रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बोला गया है और दूसरी बात इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो इंडियन गवर्नमेंट है हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं मॉडर्नाइज कर रहे हैं किसको रेलवे को मॉडर्नाइज कर रहे हैं रेलवे को जैसे ही आपने देखा होगा या सुना होगा कि अमृत भारत कुछ ऐसी ट्रेन हैं जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं जैसे अमृत भारत और आपने सुना होगा वंदे भारत और तीसरा आज हमने डिस्कस किया नमो भारत तो ये तीन इंडिया की ऐसी ट्रेन है जो नई चलाई गई हैं लॉन्च करी गई हैं इनके थ्रू इंडिया अपने रेलवे को मॉडर्नाइज़ करने की कोशिश कर रहा है तो इस ये जो रेलवे ट्रैक बनाया गया है या नमो भारत ट्रेन चलाई गई है ये इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम है उसके ऊपर इस ट्रेन को चलाया गया है और ये कहाँ है आप देख सकते हो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम इसको बोला जाता है कि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर्स एरिया होते हैं उनके आसपास एरियाज़ को कनेक्टिविटी करने के लिए ये ट्रांजिट सिस्टम बनाया जाता है तो उसी का ये एक पार्ट है और अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँ तो इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहली बार जो रेलवे की शुरुआत करी गई थी वो ब्रिटिशर्स के एक वाइस रॉय जिनका नाम था लॉर्ड डलहौज़ी लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत करी थी इंडिया में जो रेलवे ट्रैक लाए गए थे अब जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कई चीज़ें आती हैं कि इनके फ़ायदे और इनके नुकसान अंग्रेज़ों का इंडिया में ये डेवलपमेंट करना उनका कोई कई लोग कहते हैं कि इससे फ़ायदे हैं आज भी इंडिया ऐसा नहीं कर पाता उन्होंने जो किया वो आज भी इंडिया से रेलवे ट्रैक नहीं बन पाते बट उन्होंने अपनी चीज़ों के लिए किया मान लो जब रिवोल्ट हुआ एटीन का तो एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ठीक है जी रिवोल्ट को सप्रेस करना तो अगर उनकी जो मिलिट्री थी या फोर्स थी एक जगह से दूसरी जगह उससे जा सकती थी और दूसरी बात कि अगर वो एक जगह से पैसा दूसरी जगह लेके जाना चाहते थे तो जो भी ट्रेजरी थी उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया गया तो उनके लिए भी उन्होंने भी अपनी चीजों को इजी करने के लिए वो रेलवे इंडिया में लॉन्च करी थी और इससे इंडिया के लोगों में यूनिटी तो बड़ी ही बड़ी है वो एक पॉजिटिव चीज भी थी तो ये रेलवे की शुरुआत तब हुई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा करी गई थी और आज हम देख सकते हैं ये क्लियर होगी ये चीज नेक्स्ट न्यूज देखिए क्या है अपना इंडियन नेवी ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी है इंडियन नेवी कंडक्ट सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है प्रस्थान क्या नाम है जिस एक्सरसाइज का प्रस्थान इंडियन नेवी ने इसको कंडक्ट किया है सबसे पहले हम देखेंगे सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो इंडियन कोस्ट है हमारी जो इंडिया की कोस्ट है जैसे हम बात कर सकते हैं कि दिस इज इंडियन कोस्ट और आपको पता है कि इंडिया के तीन तरफ पानी लगता है इधर पानी है और दिस और अगर किसी जगह के तीन साइड पानी हो तो उसको बोलते हैं पेनसोला क्या बोलते हैं जी पेनसोला और हम जब साउथ इंडिया की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं पेनसुलर इंडिया पेनसोला का मतलब ये होता है कि जो तीन साइड जिसके पानी लगे तो ऐसे ही जो इंडिया की टोटल कोस्टल लेंथ है वो हमारी सेवन फाइव वन सिक्स पॉइंट सिक्स किलोमीटर है ये इंडिया की टोटल कोस्टल लेंथ है इंक्लूडिंग आइलैंड्स की मैं बात करूँ अंडेमान निकोबार लक्षद्वीप वगैरह सारा तो एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी के द्वारा करी गई है बाय द कमांडर रजनीश शर्मा नेवल ऑफिसर इन चार्ज आंध्र प्रदेश अंडर द एजिस ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड इंडियन नेवी इन ककीनाडा आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में ये एक्सरसाइज करी गई है नाम है इस एक्सरसाइज का प्रस्थान आप देख सकते हो कि कहाँ ये हुआ है चीफ कौन है नेवल स्टाफ के एडमिरल राधा कृष्णन हरी कुमार ये चीफ है इंडियन नेवी के जिनका नाम यहाँ पे लिख रखा है तो एक प्रस्थान एक्सरसाइज करी गई है इंडियन नेवी के द्वारा करी गई है आंध्रा कोस्ट पे इस एक्सरसाइज को किया गया है हाँ एक चीज़ और हम डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ में जैसे आ, मैं बात करूं ये इंडियन कोस्ट है अगर हम बात करें कि दिस इज इंडियन कोस्ट तो कई लोगों को पता होगा कि इंडियन कोस्ट को कैसे बांटा जाता है मैं सबसे पहले आपको बात बताऊं कि ये गुजरात का कच्छ एंड काथियावाड़ रीजन है बिल्कुल ऊपर कच्छ और नीचे पड़ता है काथियावाड़ तो ये रीजन आपका कच्छ काथियावाड़ रीजन है तो कच्छ एंड काथियावाड कोस्ट आप इसको कह सकते हो यहाँ पे दमन एंड दीव है यहाँ तक तो ये यह सारा कच्छ एंड काथियावाड़ रीजन पड़ता है उसके बाद यहाँ से शुरू होती है आपकी कोंकन कोस्ट कौन सी कोस्ट है जी कोंकन कोस्ट मतलब गोवा तक जो गोवा तक आपकी कोस्ट है उसका नाम क्या रखा गया है कोंकन कोस्ट उसके बाद आपकी गोवा के नीचे अगर हम आएंगे अगर गोवा के नीचे बात करें तो आपकी कर्नाटका या जिसको बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट कोंकण कोस्ट उसके बाद नीचे आती है आपकी कन्नड़ कोस्ट और बिल्कुल नीचे आता है आपका मालाबार कोस्ट कन्नड़ कोस्ट कोंकण कोस्ट और बिल्कुल नीचे आती है मालाबार कोस्ट तो ये इंडिया की इधर कोस्टल एरियाज की बात करें वेस्टर्न साइड और अगर मैं ईस्टर्न साइड की बात करूं तो यहां पे पहले आता है आपका ये बिल्कुल उड़ीसा वाला एरिया इसका नाम है उत्कल प्लेन्स उत्कल उत्कल प्लेन्स फिर यहां आती है आपकी आंध्रा कोस्ट और बिल्कुल लास्ट में आती है यहाँ पे आपकी तमिलनाडु कोस्ट तो ये इंडिया की कोस्टल एरियाज़ है ये इंडिया का क्या है जी ये इंडिया का कोस्टल एरिया है मैंने आपको कोस्टल प्लेन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखवाया है कि क्या होते हैं इधर आपका कोंकण कोस्ट कन्नड़ कोस्ट मालाबार कोस्ट और इधर आपका उत्कल प्लेन्स आंध्रा कोस्ट एंड तमिलनाडु कोस्ट तो ये एरियाज हैं इंडियन कोस्टल एरियाज़ को ऐसे अलग अलग नाम दिया गया है क्लियर होगी सारी चीजें आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड सॉरी ये गलती बहुत बार हो जाती है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन नॉट ट्रेड ट्रेड नहीं आएगा टूरिज्म आएगा क्योंकि क्यों ये बात बोल रहा हूं जो अगर तो अकेला डब्ल्यू टीओ लिखा लिखा होगा हो रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जब यू एन डब्ल्यू टीओ लिखा हो तो ज्यादातर बात किस चीज की होती है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म तो इसने बेस्ट टूरिज्म विलेज का खिताब किसको दिया है दोहर विलेज पड़ता है कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात जैसे मैंने अभी आपको बोला है कि अगर ये गुजरात है तो ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं कच्छ ये नीचे वाले को बोलते हैं काथियावाड तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है जिसका नाम है दोहरदो विलेज इसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ट टूरिज्म विलेज डिक्लेयर किया है जो उन्होंने अपनी अभी लिस्ट डिक्लेयर करी है ये आप देख सकते हो ठीक है जी माडला विलेज फ्रॉम मध्य प्रदेश जो कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हैज बीन पिक्ड फॉर यू एंडीओ बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम जो यू एनडब्ल्यू टी ओ का अपग्रेड प्रोग्राम है उसमें इस विलेज को चुना गया था कि ये इंडिया का जनरली टूरिज्म विलेज है तो यहां पे आप देख सकते हो द अनाउंसमेंट जो ये अनाउंसमेंट करी गई है अभी यू एनडबीओ की असेंबली हुई थी कहां पे समरकंद उज्बेकिस्तान तो वहां पे ये डिस्कशन और ये अलाउ किया गया है अगर हम बात करें यूएनडब्ल्यू टीओ की अगर मैं इसके बारे में बात करूं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन फोर्टी सिक्स नाइनटीन 1946. 1946 में इसको बनाया गया है और इसका हेडक्वार्टर जनरली मैड्रिड मैड्रिड कहाँ पड़ता है स्पेन इसका है जो आपका कौन सी बॉडी है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अच्छा मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि इंडिया में सबसे ज्यादा टूरिज्म किस कंट्री से आता है जल्दी आंसर दीजिए वेट कर रहा हूं मैं जल्दी आंसर दीजिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा टूरिज्म किस कंट्री से आता है प्लीज जल्दी आंसर बताइए प्लीज आपके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया में सबसे ज्यादा टूरिज्म किस कंट्री से आता है अगर हम बात कर रहे हैं इस बारे में वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के एक विलेज को जनरली क्या डिक्लेयर किया है बेस्ट टूरिज्म विलेज तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इंडिया में सबसे ज्यादा टूरिज्म किस कंट्री से आता है चलिए जी मेन आंसर क्या है बांग्लादेश आंसर क्या है जी बांग्लादेश और सेकंड यूएस थर्ड यूके एंड फोर्थ इज कनाडा तो ये एक ऑर्डर है कि इंडिया में सबसे ज्यादा टूरिज्म किस कंट्री से आता है आंसर इज बांग्लादेश सेकंड इज यूएस थर्ड यूके एंड फोर्थ इज कनाडा क्लियर होगी ये बात हाँ एक क्वेश्चन इसमें और बना सकते हो वो ये है कि इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरन टूरिस्ट आते हैं अगर मैं बात करूं फॉरन टूरिस्ट अगर मैं बात करूं फॉरेन टूरिस्ट तो इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट आता है टूरिस्ट आता है महाराष्ट्र में कहां पे आता है जी महाराष्ट्र और अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक टूरिस्ट कि जो डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया में आते हैं तमिलनाडु मतलब जो लोकल लोग घूमने जाते हैं इंडिया के वो तमिलनाडु में जाते हैं सबसे ज़्यादा और जो ओवरऑल वर्ल्ड के फॉरनर टूरिस्ट इंडिया में आते हैं वो सबसे ज़्यादा कहां जाते हैं जी महाराष्ट्र तो ये टूरिज्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको यहां बताए चलिए नेक्स्ट न्यूज उधमपुर मिलिट्री स्टेशन बैग्स बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड जो इंडिया का मिलिट्री स्टेशन है जनरली ड्यूरिंग द सेकेंड एडिशन ऑफ आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू डेली देहरादून मिलिट्री स्टेशन वॉज द एक्नोलेज फॉर सिक्योरिंग द टाइटल ऑफ द सेकेंड बेस्ट सेकेंड बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन वो देहरादून मिलिट्री स्टेशन है फर्स्ट वन इज उधमपुर मिलिट्री स्टेशन बीकानेर मिलिट्री स्टेशन जो है वो बेस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेशन उसको ट्रॉफी मिली है तो ये सारी बेसिक सी चीजें लिख रखी हैं तो आप इनको ध्यान रखना कि ग्रीन आप समझते हो कि ग्रीन मिलिट्री स्टेशन जनरली जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज्यादातर रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट हो रिन्यबल सोर्सेज से अगर एनर्जी जनरेट होगी तो वहां पे जो लाइट है जो भी वहां पे लाइट है तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये ग्रीन हमारी बिल्डिंग है या ग्रीन मिलिट्री स्टेशन है कि यहाँ सारी की सारी एनर्जी कोल को जला के नहीं बल्कि किस कैसे आ रही है रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी आ रही है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस ये नाम सुना होगा आप लोगों ने मदर टेरेसा एक सोशल एक्टिविस्ट थी जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत काम किया तो अभी इस साल जो नोबल प्राइज मिला पीस के लिए उनका नाम था नरगेश मोहम्मदी एक ईरानियन वुमेन है जो कि एक राइट्स के लिए जिन्होंने अपने हक के लिए कैंपेन किया ठीक है जी उनको नोबल पीस प्राइज़ भी मिला और एक ईरानियन वुमेन है तो इन्हीं को ये मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड भी मिला है फॉर सोशल जस्टिस दो का तो ये हमने इनका नाम हमने पहले भी पढ़ा था जब हम मैंने आपको क्लासेस में नोबेल पीस प्राइस पढ़ाए थे तो अभी वही नाम इनको एक और अवार्ड मिला है तो उसमें भी इनका नाम आया है यार्ड वन टू सेवन जीरो सिक्स थर्ड स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी डिलीवर्ड ये एक शिप है ठीक है जी जिसको इंडियन नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है क्लास गाइडेड मिजाइल डिस्ट्रॉयर शिप जनरली क्या होता है स्टेल्थ मैंने पहले भी एक बार बात पढ़ाई है मान लो ये एक शिप है और यहाँ पे दुश्मन ने कोई अपने रडार लगा रखे हैं पानी में ये यहाँ पे रडार हैं यहाँ पे रडार्स हैं अब जनरली क्या है ये रडार्स की रेंज आएगी इस शिप से टकराएगी और वापस इस पर वापस आएंगी तो पता लग जाएगा यार सामने से कोई शिप आ रहा है ठीक है जी कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो पाक जो भी कोई दुश्मन है या पाकिस्तान के पानी के अंदर अगर हम एंटर हो रहे हैं तो उनको पता लग जाएगा कि भाई ऐसा कोई शिप वगैरह इंडिया में पाकिस्तान के पानी में एंटर हो रहा है तो हम क्या करते हैं उस ऐसे उसको बनाया जाता है कि उसका डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है कि कई बार रेज पड़ते ही ऊपर की तरफ निकल जाती हैं वापस उस तक नहीं पहुँचती या ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये ऐसा बनाया जाता है कि ये रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है रडार की और वो वापस ही नहीं जाती जिसकी वजह से क्या होता है कि पता नहीं लगता कि सामने से कोई चीज रही है या नहीं तो एक ऐसे इसको बोलते हैं स्टेल्थ, ठीक तो है, है दस लोगों की शहादत हुई थी सी थे ठीक है जी हु थे देयर लाइफ वाइल डिफेंडिंग अवर बॉर्डर विद चाइना चिन लद्दाख वाला एरिया अब कई लोगों को इसमें डाउट होगा कि ये एरिया कौन सा है मैं आपको थोड़ा सा यहां बताना चाहता हूं कि इंडिया का जो ये अपर वाला हिस्सा है इस हिस्से में ये वाला एरिया जो पड़ता है दिस इज अक्साई अक्साई ये ये कौन सा एरिया है जी चिन। ये आज की डेट में एरिया किसके कंट्रोल में है चाइना के कंट्रोल में ये एरिया है और दूसरी बात कुछ ऐसी दुनिया में कई लोगों ने लाइनें खींची हैं जो अक्साई चिन्ह को चाइना का पार्ट मानती हैं मतलब वो इंडिया को ऐसे कंसीडर करते हैं तो इस लाइन का नाम नाम क्या है इस लाइन का नाम है मैकडोनल्ड लाइन मतलब अकॉर्डिंग टू मैकडोनल्ड लाइन अक्साई इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया और एक और लाइन है जो इंडिया का मैप ऐसे ड्रॉ करती है इट मीन वो अक्साई चिन्ह को किसका पार्ट मानते हैं इंडिया का तो वो लाइन का नाम क्या है जॉनसन लाइन जॉनसन लाइन कंसिडर अक्साई चेन इज अ पार्ट ऑफ इंडिया बट फॉर द टाइम अभी ये किसके पास है चाइना के पास ये एरिया है अक्साई चैन का ठीक है जी तो 1959 में हमारे कुछ ऑफिसर्स को शहादत प्राप्त हुई थी इसको डिफेंड करते हुए तो उनके नाम पे क्या मनाया जाता है पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है एक मैं आपको और बात बताना चाहता हूं जैसे सीआरपीएफ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ठीक है जी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इंडिया में पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और एक तीन फोर्सेस हैं जैसे आर्मी एयर फोर्स नेवी ये तीनों फोर्सेस चलती हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बट जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं सीआरपीएफ बीएसएफ एसएसबी सशस्त्र सीमा बल ठीक है जी आईटीबीपी जनरली uh, ये सारी फोर्सेज जो हैं इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये किसके नीचे काम करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जो आर्मी एयर फोर्स और नेवी है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्लियर होगी ये बात ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया सम्मिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली समिट किया है वर्चुअली मतलब वहां पे आके मिले नहीं वर्चुअली एक ऑनलाइन समिट हुआ है इनगुर इनेगुरेटेड द थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट हेल्ड एट ग्राउंड इन मुंबई जो मुंबई के ग्राउंड हैं वहां पर यह एक सममिट किया गया है ये आप देख सकते हो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया सम्मिट इसमें नरेंद्र मोदी जी ने अमृतकाल विजन आपको पता है कि अगले जो 25 साल हैं उनको अमृतकाल बोला गया है ठीक है जी क्योंकि ये 75 से 100 साल होंगे हमारे देश को आजाद हुए तो वहां पे उन्होंने एक ब्लू प्रिंट प्रिपेयर किया है फॉर इंडियन मेरी ब्लू इकोनॉमी कि कैसे हम इंडिया की इकॉनमी को बढ़ा सकते हैं समंदर के रास्ते समंदर के रास्ते व्यापार हो सकता है उसको बढ़ा सकते हैं ईजी कर सकते हैं ठीक है जी जो परमीशनस हैं उनको नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा परमिशन की रिक्वायरमेंट्स को कम कर सकते हैं तो ऐसे इंडिया को एक ब्लू इकॉनॉमी भी हम बना सकते हैं ये बात चली रही है तो मैंने आपको पहले पीछे पढ़ाया ही है कि इंडिया की जो कोस्ट लेंथ है वो पचहत्तर किलोमीटर है और ब्लू इकोनॉमी में बिजनेस तो आएंगे ही आएंगे और दूसरी बात है कि जो ब्लू रेवोल्यूशन की हम जनरली uh, अपना जो फिशरीज प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो इसके लिए भी इंडियन गवर्नमेंट का ब्लू रेवोल्यूशन आपने सुना होगा और इसके फादर हैं हीरा लाल चौधरी हीरा लाल चौधरी को फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाता है तो ऐसे ही जनरली हमने ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना है कि समंदर के रास्ते व्यापार ज़्यादा बढ़ाया जाए ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा काम हो तो उसके लिए एक ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया सम्मिट हुआ है कहां पे हुआ है जी मुंबई में वर्चुअली समिट हुआ है है ये आप देख सकते हो ठीक जी एक वर्चुअल समिट था आप यहां पे देख सकते हो बहुत मैरीटाइम प्रोजेक्ट्स हैं सरकार के द्वारा हमारे पूरे कोस्टल एरिया को और अच्छा बनाने के लिए भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से एक आपको मैं बता भी देता हूं जैसे जिस नाम है सागरमाला सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है कि जितने भी इंडिया का कोस्टल एरिया है उसको डेवलप करना है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं होगा तो कहां कंटेनर्स लैंड करेंगे और कहां से उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा वहां पर ट्रेन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है ताकि ये व्यापार जो है इसको ईजी किया जा सके ठीक है जी ऐसा नहीं है कि कंटेनर वहां पहुंच के उसको रखने के लिए जगह नहीं है और वहां पचास दिन वहीं है कहीं उसको वहां से लिया लेके नहीं जा रहे तो ये दिक्कतें रहती हैं क्लियर है ना तो उनको इजी कर रहे हैं उसके लिए इंडिया ने एक ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट किया था जिसको मोदी जी ने वर्चुअली अटेंड किया है फर्स्ट इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल यहां पे आप देख सकते हो इंडियन एयर नेवी के ऑफ चीफ इंडियन आर्मी के चीफ और जनरली आपका इंडियन नेवी के जो चीफ एयरफोर्स के हैं वो राजनाथ सिंह जो इंडिया के मिनिस्टर हैं उनके साथ उन्होंने क्या किया है यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल एट मानिक शाव सेंटर इन न्यू डेली और बेसिकली ये जो नाम है मानिक शाव ये नाम आप लोगों ने सुना है मानिक शाव इंडिया के चीफ मार्शल हुए हैं एक ठीक है जी मतलब जिनको ये टाइटल था मानिक शाव जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ है पाकिस्तान के साथ जब हमारा युद्ध हुआ है 1971 में तो उस टाइम भी मानिक शाव इंडियन आर्मी को लीड कर रहे थे ठीक है जी काफी वो स्टोरी है जो भी है तो उनके नाम पे मानिक शाव सेंटर में मानिक सेंटर में ही ये फेस्टिवल मनाया गया इंडिया का पहला मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल एट जनरली अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट एट डब्ल्यू आई एफ जिसकी फुलफॉर्म है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फॉरम आई सी ए आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज बीन अवॉर्डेड द आई एस ए आर ऑनर्स आई एस ए आर ऑनर्स दिया गया है उनको बाई द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट आई एस ए आर क्या है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग जनरली आपको पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम क्या है अगर मैं बात करूं तो दैट इज स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग तो वो क्या है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ या इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का ऑनर मिला है सिक्स एडिशन में जो ये हो रहा था ट्रेड एंड डेवलपमेंट का और ये अवार्ड देता कौन है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम जो कि कहाँ पे इस बार जिसका सबमिट हुआ है आबूधाबी में क्लियर है चीज़ थीम था इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब आप लोग मुझे बताइए इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है और ये मैं क्वेश्चन बहुत पूछता हूँ कि इंडिया में सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा इन, बड़ी इन्वेस्टमेंट किस देश से आती है आंसर बताइए जल्दी चलिए आंसर आया है कि सर सिंगापुर आपको पता है कि कई छोटे छोटे आइलैंड्स हैं सिंगापुर मॉरिशियस जहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है क्योंकि ये टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं यहाँ टैक्स ही बड़ा कम है ठीक है जी मैंने पहले कई बार ये बात डिस्कस करी है तो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टर कौन सा देश है सिंगापुर हारवर्ड लॉ स्कूल 2022 अवार्ड तो यहाँ पे आप देख सकते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम है डी वाई चंद्रचूड हैज़ बीन फैसिलिटेटेड विद 2022 सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड फॉर द ग्लोबल लीडरशिप बाय हार्वर्ड स्कूल लॉ स्कूल सेंटर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मै यूएसए यू ही वॉज़ अवारेड इन रिकोगशन ऑफ इज़ लाइफ टाइम सर्विस टू द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड इन्होंने अपनी सारी जिंदगी लीगल प्रोफेशन को दी है तो इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी इन्होंने काफ़ी सब मतलब ऐसी चीज़ों को नए नए आइडियाज़ या नई नई जजमेंट्स में इनका नाम आया है डी वाई चंद्रचूड का तो इनको ये अवार्ड दिया गया है डाना रेमोस हु इज़ द फॉर्मर वाइट हाउस काउंसल इज अनाउंस एज द रेसिपियंट ऑफ द अवार्ड फॉर द ईयर दो 2023 का अवार्ड इनको मिला है तो ये 2022 के अवार्ड की मैं बात कर रहा हूँ तो इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड और आपको एक बात बताएं कि जो इंडिया सुप्रीम कोर्ट है उसमें टोटल 34 फोर जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वो कौन आज की डेट में डी वाई चंद्रचूड और ये संविधान का आर्टिकल वन आर्टिकल संविधान का कहता है कि देर शलबिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे इंडिया के और आर्टिकल 126 कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इनको इंडिया में अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज टू ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आगे देखिए जी नेक्स्ट क्या है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन नाम है संजय कुमार जैन संजय कुमार जैन को रेलवे कैटरिंग का और टूरिज्म का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है वन लाइन ईयर न्यूज है इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है इसरो लॉन्चेज द गगनयान मिशन टेस्ट सबसे पहली चीज एक गगनयान मिशन टेस्ट किया गया है इसरो के द्वारा अभी क्या है इंडिया ने एक मिशन लॉन्च करना है गगनयान आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि इंडिया पहली बार ह्यूमन मैंड स्पेस मिशन लॉन्च करने जा रहा है जिसमें वो इंसानों को स्पेस में भेजने जा रहा है और इस मिशन का नाम है गगनयान क्या है जी गगनयान तो पहले इसके लिए टेस्ट किए जाएंगे तो ऐसा ही एक गगनयान मिशन टेस्ट किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश तो ये आप देख सकते हो एक ऐसा टेस्ट किया गया है अब इसको लॉन्च नहीं किया गया फुल फ्लेज जनरली इस ऑब्जेक्टिव क्या था इस मिशन का टू टेस्ट ऑल द सिस्टम्स ऑफ टेस्ट व्हीकल टू मेक श्योर दैट दे आर वर्किंग प्रॉपरली कि जो हम भेजेंगे कि जो भी उसके अंदर सिस्टम है क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं तो इसको टेस्ट करने के लिए गगनयान मिशन को टेस्ट करने के लिए ही ये मिशन लॉन्च किया गया है इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ हेडक्वार्टर है, आपको पता है बेंगलुरु कर्नाटका और कब बना था नाइनटीन में इसरो बना है याद रखना गगनयान मिशन क्या है इंडिया का पहला मैंड मिशन है स्पेस के लिए यूएस ग्रैंड प्रिक्स यूएस ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेट्सपेन अ बेल्जियन डच ड्राइवर ऑफ रेडबुल वॉन द फॉर्मूला वन यूएस ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड एट सर्कट ऑफ अमेरिकन इन ऑस्टिन टेक्स द यूएस बुक द रिवर्स स्विंग यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं इन्होंने एक बुक लॉन्च करी है द रिजर्व रिवर्स स्विंग कलोनियलिजम टू कॉपोरेशन authored by ashok kumar tandon a veteran journalist and political commemorator colonialism to cooperation colonialism colonialism कई लोगों को इस वर्ड को मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं colonialism actually में है क्या कि पहले इंडिया जो था वो एक कलोनी था किसका ब्रिटेन की ब्रिटेन एक इम्पीरियलिस्ट पावर था और हम उसकी क्या थे कलोनी. तो वो जो दौर था जब इंडिया गुलाम था अंग्रेजों का उस दौर को कहा गया है colonialism तो कॉलोनियलिज्म से आज हम कहां पे हैं कॉपरेशन की हमारे उनके साथ क्या रिश्ते हैं कैसे हम उनके साथ कॉपरेट करते हैं तो कैसे गुलाम थे और कैसे कॉपरेट करते हैं टू कॉपरेशन कि जनरली क्या रहा है इंडिया और अभी क्या जर्नी रहेगी इंडिया की काल में जो ये दौर है हरिमाओ शक्ति हरिमाऊ शक्ति एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और मलेशिया के बीच में एक ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज है आप देख सकते हो दो दिन की एक इंडिया मलेशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है एट द उमराई उमराई कैंटोनमेंट लोकेटेड इन रीबोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय मेघालय में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है और कब कब से हो रही है एक्सरसाइज 2012 से ये आपको याद रखना है 2012 से ये एक्सरसाइज हर साल होती है और नाम क्या है इसका हरिमाओ शक्ति तो हरिमाओ शक्ति एक्सरसाइज किसके बीच में होती है इंडिया एंड मलेशिया जापान फायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जापान फायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन ये आप देख सकते हो दिस इज रेलगन फायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन हमें सारा कुछ तो याद करने की जरूरत तो नहीं है मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ रेलगन एक्चुअली होती क्या है आपने गन देखी होगी गन के अंदर जो हम यूज़ करते हैं कैटरीज यूज़ करते हैं तो उसमें गन पाउडर होता है ठीक है जी जो उस कैटरिज को पुश करता है आगे की तरफ ये जो है ये जो आप यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन देख रहे हो ये आपको दिख रहा होगा इसके अंदर क्या होता है कि करंट जो चलेगा इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और जो काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करते हुए किसी चीज़ को पुश मिलेगा मतलब गन पाउडर की ज़रूरत ही नहीं है कैटरेजीज के अंदर तो एक ऐसी गन बनाई गई है ये ऐसी गन चल रही है जापान ने रेल जापान फायर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेल गन तो उन्होंने टेस्ट किया होगा अभी तो ये एक न्यूज़ है मतलब एक बेसिक सी चीज़ है कि बाकी कन्वेंशनल गन से ये डिफरेंट है क्योंकि ये इलेक्ट्रो के ऊपर काम करेगी इट वर्कस ऑन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक अब उसमें क्या है उसमें आपको गन पाउडर चाहिए गन पाउडर डालते हो तो वो भारी हो जाती है ठीक है जी ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाती तो ये चीज़ें हैं इसकी इतनी स्पीड है कि ये 250 किलोमीटर जस्ट सिक्स मिनट में कवर कर सकती है छः मिनट में इतनी इसकी स्पीड रहती है और अगर मैं बात करूं आपको साउंड की स्पीड से तो यहाँ लिखा है सेवन मैक साउंड की स्पीड से सात गुना इसकी स्पीड हो सकती है तो जो ये रेल गन होती है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसको बैडमिंटन आबू मास्टर्स इंडिया की उनती हुड्डा वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन आबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट हेल्ड इन एडनेक मेरेना हॉल आबू धाबी यू इंडिया के डुओ अश्वनी पोनपा एंड तनीशा क्रास्टो वॉन द वमेन्स डबल टाइटल कतर मास्टर्स टेनिस ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है प्लीज़ इसको एक बार आप पढ़ोगे कि किसने इसको जीता है कतर में जो टेनिस कप हुआ है बिशन सिंह बेदी पास अवे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड पद्मश्री अवार्डी बिशन सिंह बेदी की डेथ होगी एट द एज ऑफ 77 1946 में इनका जन्म हुआ था ये आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशंस डे अक्टूबर 24 24 चौबीस अक्टूबर 1945 24 चौबीस अक्टूबर 1945 में एक इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था यूएन यूनाइटेड नेशन आप सभी ने सुना है कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन लीग ऑफ नेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन 1919 की बात है जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म होती है तो लीग ऑफ नेशन को नाम दे दिया जाता है यूनाइटेड नेशन संयुक्त संघ क्लियर है चीज तो यूनाइटेड नेशन डे ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन फोटी फाइव आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू बनाया गया द यू एन डे कॉन्सर्ट दो हज़ार तेईस वॉज हेल्ड अंडर द थीम जो इस साल का यू एन का एक कॉन्सर्ट डे मनाया गया उसका थीम था द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन यू एन के सेक्रेटरी जनरल है ऑन्टोनियो गट हैडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और बना कब है नाइनटीन फोर्टी फाइव अब बात वही जो हमने पहले बहुत बार डिस्कस करी है वो बात ये यू एन के मेन ऑर्गन्स मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेकेंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल थर्ड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल यूनेस्कोस मतलब ऐसा कुछ है उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके बाद यूएन एन सेक्रेटरीट यू सेक्रेटरीट ये पांच मेन ऑर्गन्स हैं और एक सिक्स्थ मेन ऑर्गन है यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल और कुछ समय पहले इसको क्या कर दिया गया है खत्म कर दिया गया है यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल को तो पहले इसके छह मेन ऑर्गन्स हुआ करते थे दी सिक्स आर द मेन ऑर्गन्स या दी सिक्स वर द मेन ऑर्गन्स तो ये बात याद रखोगे इनके अलावा कोई भी मेन ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशन का क्लियर होगी ये बात आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि यू की ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये आपके लिए क्वेश्चन है आगे चलिए वर्ल्ड पोलियो डे अक्टूबर ट्वेंटी फोर वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है ठीक है जी वर्ल्ड पोलियो डे वॉज एस्टैब्लिश बाय द रोटरी इंटरनेशनल टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जॉनस सॉल्क एन अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट हु डेवलप्ड द फर्स्ट सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन जिन्होंने पोलियो वैक्सीन की शुरुआत करी थी ढूंढा था उनके नाम पे ये दिन मनाया जाता है और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इंडिया को पोलियो फ्री जो सर्टिफिकेशन है वो कौन से ईयर में मिली थी 2014 थाउजेंड फोर्टीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन दे दी थी 2014 में ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि कब इंडिया को पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन मिला आंसर इज 2014 थाउजेंड फोर्टीन डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया फर्स्ट नैनो डैप प्लांट इन गांधीनगर गुजरात गांधीनगर गुजरात में इंडिया का पहला नैनो प्लांट आप देख सकते हो कि वो लगाया गया है किस चीज का नैनो प्लांट है ये डाई अमोनिया फॉस्फेट जनरली फर्टिलाइजर्स होते हैं कुछ फर्टिलाइजर होते हैं जैसे यूरिया है तो यूरिया आपकी फसल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है उसको सोल फर्टिलाइजर बोलते हैं डाई अमोनिया फॉस्फेट ये एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है जो एक की बजाय दो या तीन न्यूट्रिएंट्स आपकी फसल को प्रोवाइड करेगा जैसे अमोनिया नाइट्रोजन और फॉस्फरस तो इसके लिए एक नैनो प्लांट इसका बनाया गया है डाई अमोनिया फॉस्फेट जो ये है वो कहाँ पे इनैगोरेट किया गया है कैलोल में किया गया है जी गांधीनगर गुजरात तो इतना ही है ज़्यादा डेप्थ में नहीं और आपको पता है कि तीन अगर मैं आपको बात करूँ कि मैक्रो न्यूट्रियट्स वो मैक्रो न्यूट्रियट्स जिनकी हमारी मिट्टी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दैट इज एन सेकंड पी थर्ड के फोर्थ कैल्शियम फिफ्थ मैग्नीशियम और सिक्स सल्फर नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर तो दीज सिक्स आर द मैक्रो न्यूट्रिय मैक्रो मतलब जिनकी हमारे सॉइल को बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो दी आर द माइक्रो न्यूट्रियट्स इनके अलावा जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो माइक्रो होंगे और ये क्वेश्चन आ रुक, आ चुका है पेपर में कि माइक्रो न्यूट्रियट्स कौन कौन से होते हैं या कौन सा नहीं होता उनमें से तो ये छह ही माइक्रो न्यूट्रियट्स हैं नाइट्रोजन फॉस्फरस पोटासियम कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सल्फर प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्यु अभ्युदय अभ्युदय योजना तो अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना लॉन्च करी गई है जनरली ये शेड्यूल कास्ट जो ऐसी कम्युनिटी है उनके लिए एक स्कीम है इसमें तीन स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान बापू जगजीवन राम छत्रवास योजना इन तीनों को मर्ज करके एक स्कीम बना दिया गया है और इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा इंडियन शेड्यूल कास्ट के लिए स्कीम है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अबेदय योजना और मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा एसी पॉपुलेशन कहां पे है जी यूपी में लार्जेस्ट नंबर ऑफ एसी पॉपुलेशन कहां पे है यूपी में और अगर किसी स्टेट की परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करूं कि अगर किसी स्टेट में सौ लोग रहते हैं तो मैक्सिमम वहां पर एसी पॉपुलेशन है तो फिर आंसर आएगा आपका पंजाब परसेंटेज वाइज अगर किसी स्टेट में सबसे ज्यादा ऐसी पॉपुलेशन है तो पंजाब है और नंबर वाइज की मैक्सिमम नंबर देन आंसर आपका क्या है यूपी फिर आंसर आपका क्या आएगा जी यूपी आएगा मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है आपके संविधान का आर्टिकल कौन सा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये आपका क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन से आपके संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर नेशनल कमीशन बनाया जाएगा फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए नेशनल कमीशन का गठन करना यह किस आर्टिकल का पार्ट है क्या यह 338 है क्या यह 338 ए है बी है कौन सा है तो वो आपने देखना है आगे चलिए चलिए आगे चलते हैं जी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ओ तो इन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन है सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन है वो इंडिया से हुई है तो ये इन्होंने बात करी है जी ये आप देख सकते हो ओई पहले मैं आपको ओ के बारे में बता दूं दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसको 1961 में बनाया गया था हेडक्वार्टर कहाँ पे पेरिस इसमें टोटल 38 कंट्रीज हैं तो इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में बोला है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट है सॉरी इंटरनेशनल इकोनॉम इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने बोला है कि ये दूसरे साल लगातार इंडिया का पहला पोजीशन है कि टॉप कंट्री है जिसमें कंट्री ऑफ ऑफ फॉर फॉर न्यू माइग्रेंट्स टू द मेंबर कंट्रीज ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा जो माइग्रेट जो लोग आते हैं वो इंडियन ओरिजन लोग हैं सेकेंड रैंक किसका है जी चाइना का सेकेंड रैंक किसका है चाइना का ये आप देख सकते हो माइग्रेशन फिगर्स और हाँ इसी के साथ साथ आपको यह बता दूं कि इंडिया का सबसे ज्यादा डायस्पोरा मतलब प्रवासी भारतीय जो इंडियन है वो किस कंट्री में है आंसर आएगा यू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई की बात है इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनॉमी बन जाएगा सॉरी एशिया की दो तक ये एस एंड पी ग्लोबल ने अपनी रिकमेंडेशन दी है स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने बोला है कि इंडिया एशिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा बाय 2030 चलिए नेक्स्ट कभी और डिस्कस करेंगे हम जीडीपी के बारे में आज नहीं ये आपने पढ़ा होगा इंडिया ओवर टुक द यूके एंड बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जीडीपी के बेसिस पे इंडिया का फिफ्थ रैंक है और हां एक और है पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी इसके ऊपर इंडिया का वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया ये आप देखोगे पीपीपी है क्या यूएस नेशनल मेडल जो बाइडन प्रेजिडेंट ऑफ यूएस ऑनर्ड द ट्वेंटी वन इनोवेटर्स इंक्लूडिंग जिसमें दो इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट भी हैं सुबरा सुरेश एंड अशोक गैडगिल इनको नेशनल विद नेशनल मेडल ऑफ साइंस एंड नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ये मिला है पीएम ऑफ स्लोवाकिया स्लोवाकिया एक यूरोप का कंट्री है तो वहां के नए पीएम चाइना लॉन्चेस शेंजो 17 मैंड स्पेसक्राफ्ट टू इट स्पेस स्टेशन देखिए एक तो है वर्ल्ड में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो वर्ल्ड की पांच स्पेस एजेंसीज ने मिलकर बना रखा है जैसे नासा हो गया रोस्कोमोस हो गया जापान की होगी कैनेडियन स्पेस एजेंसी होगी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी होगी ऐसे ही चाइना एक खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है आसमान में जो उसका प्रोजेक्ट है टेंगोंग क्या है उसका नाम टेंगोंग स्पेस स्टेशन है तो वहां अभी चाइना ने अपना मैंड स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च थर्टी फ्लाइट मिशन 17 तो इसको भेजा गया है वहां पे चाइना का खुद का स्पेस स्टेशन है नाम है टेंगोंग केरला टू हैव हॉल मार्किंग सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्स जनरली सोने के लिए जो हॉल मार्किंग होती है पहले ये हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती तो केरला ने अभी इसको हर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च कर दिया है केरला स्टेट के हर चौदह राज्यों में डिस्ट्रिक्ट में ये हॉल मार्किंग सेंटर्स बनाए गए हैं और हब बना दिया गया है केरना केरला को गोल्ड बिजनेस का आप ये कह सकते हो आपने थोड़ा टाइम पहले सुना होगा कि जो ये हॉलमार्क यूज होते हैं ये तो आपको पता है गोल्ड सिल्वर और ज्वेलरी के लिए यूज होते हैं एक चीज़ और आई थी दैट इज पहली चीज ये कि ये देता कौन है बी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और ये एक्ट कब आया था दो में अभी पीछे एक सिक्स डिजिट और अल्फाबेटिकली एक चीज आई है जिसके अंदर हर आर्टिकल के ऊपर वो लिखा होगा जैसे एच यू आई डी है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ये सिक्स डिजिट अल्फा नुमेरिक कोड होगा सिक्स डिजिट अल्फ़ा नुमैरिक कोड होगा जो हर सोने के आर्टिकल पे बना होगा जिससे आप ये कन्फर्म कर सकते हो या कि ये आर्टिकल सच में जेनुअन है या नहीं है तो वो एक सरकार ने नई चीज़ लॉन्च करी थी सिक्स डिजिट का अल्फा अल्फ़ा नूमेरिक कोड था एच यू आई डी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन और दो ग्राम से नीचे वेट के जो भी आर्टिकल्स होंगे उनके लिए हॉलमार्क इज नॉट मैंडेटरी बट उनके ऊपर जितने भी होंगे उनके लिए मैंडेटरी होता है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है कि उड़े देश का आम नागरिक हर लोकल एरिया में एयरप्लेन की कनेक्टिविटी को लाया जा रहा है छोटे छोटे एयरपोर्ट्स में हर जगह मतलब नॉर्मली एयर जो ट्रैफिक है या एयर जो ट्रैवलिंग है उसको नॉर्मल लोगों के लिए भी किया जा रहा है कि इतना जैसे आप रोड से जाते हो उतना खर्चा करते हो तो बाई एयर भी उतना ही उसके आसपास पड़ेगा उड़े देश का आम नागरिक तो ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है इसको छह साल पूरे हो गए हैं दो में इसको लॉन्च किया गया था ठीक है जी एज अ पार्ट ऑफ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी दो ठीक है जी आप देख सकते हो तो इसको छह साल कंप्लीट हो गए हैं इसको पहली जो 2017 में फ्लाइट इनैगोरेट की गई थी स्कीम के अंदर वो शिमला से दिल्ली को जो कनेक्ट कर रही थी वो थी सबसे पहली दो में इंडिया यूरोपियन यूनियन फर्स्ट ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो भी वो देश हैं उनकी पहली एक नेवल एक्सरसाइज हुई है कहां पे गल्फ ऑफ द एक्सरसाइज वॉर डिजाइन टू अपहोल्ड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज इंडिया और यूए मतलब यूरोपियन यूनियन की एक्सरसाइज है सेवनटीन किंग ऑफ मलेशिया सुल्तान इब्राहिम इबनी अलमुर सुल्तान इसकंदर ये नए किंग बने हैं जी मलेशिया के इंडिया में जो किंग जैसा कुछ नहीं होता जिन कंट्री में किंगज़ होते हैं उनको आप जनरली मोनारकी कहते हो मोनारकी इंडिया में हमारा जो हेड है वो इलेक्टेड है तो हम क्या हैं रिपब्लिक इंडिया इज़ रिपब्लिक क्लियर होगी ये चीज़ तो मोनार्की होता है और दूसरा क्या होता है जी रिपब्लिक की हमारा जो हेड हम चुनेंगे दैट इज वो क्या होगा इलेक्टेड हेड होगा क्लियर है बुक ब्रेकिंग द मोल्ड इसके बारे में पढ़ोगे जी मतलब बुक आप देखोगे किसने लिखी है रघुराम राजन रोहित लांबा 77th इन्फेंट्री डे 27 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट मिलिट्री इवेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब किया गया था इन कश्मीर वैली अगेंस्ट पाकिस्तान इन्वेडर्स जब पाकिस्तान इंडिया में इन्वेड किया था तब पहला मिलिट्री इवेंट किया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया में तो ये आपके लास्ट वीक के करंट अफेयर थे और इनकी जो पीडीएफ है ये ट्रिपल ए ब्राइट का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे अवेलेबल है आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी ये वीक की न्यूज रही है इंपॉर्टेंट और इनको जो भी हमने पढ़ाया जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो आप अपनी कॉपी में नोट करना ओके okay जी थैंक यू थैंक यू सो मच